गतिवश मनिगवा थाना क्षेत्र से लापता महिला का शव पेड़ से लटकता पाया गया था। घटना की जानकारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पीड़ित के परिजनों के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कुछ दिन के बाद महिला का शव आम के पेड़ में लटकता मिला था। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने तत्कालीन चौकी प्रभारी को जहां निलंबित कर दिया, वहीं आरोपी गुरु प्रसाद तिवारी निवासी भीर के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि पहले ही परिजन के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करते हुए शंका व्यक्त की गई थी, लेकिन स्थानीय चौकी प्रभारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और महिला का शव आम के पेड़ में लटकता मिला था। घटना को देखकर भी अनुमान लगाया जा रहा था कि जितनी ऊंचाई पर महिला का शव लटक रहा था, उतनी ऊंचाई पर एक महिला कैसे चढ़ सकती है, जिसके चलते हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही थी। परिजनों की शिकायत पर मृतिका का पोस्टमार्टम संजय गांधी अस्पताल में कराया गया और परिजनों के बयान दर्ज किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने भीड़ निवासी गुरु प्रसाद तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि आरोपी के खेत में ही लगे आम के पेड़ में शव बरामद हुआ था। पूरे मामले की मनिगवा पुलिस जांच कर रही है। कल मनिगवा में महिला का शव मिलने के पश्चात FSL की पूरी टीम ने वहाँ जाकर अपना परीक्षण किया और उसके पश्चात हम लोगों ने एक प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। और उस दौरान अभी हमने देखा कि महिला संबंधी एक गुम इंसान में थाना स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो चौकी जो थी, चौकी प्रभारी मनिकवार, उनको और संवेदनशीलता और तत्परता दिखानी चाहिए थी। उसको देखते हुए उनको निलंबित करके लाइन अटैच भी किया गया है। संपूर्ण जाँच अभी SC/ST को दी गई है और उसके पश्चात ही हम लोग आगे आपको शेयर करेंगे। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।